गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू पॉवर्टी. सो लेट स्टार्ट. पॉवर्टी, वॉट इज पॉवर्टी? अ स्टेट वेयर मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, एडुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, योर बिल्स एंड एवरीथिंग, दिस थिंग्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड फॉर सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग इज नोन एज पॉवर्टी. मतलब रोजमर्रा के बेसिक चीज़ें भी अगर लाइफ में कोई पूरा ना कर सके तो वो क्या है? वो पॉवर्टी है. वो आदमी पॉवर्टी में जी रहा है. ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा. क्या है? मिनिमम लेवल, नॉट टू बी फुलफिल्ड, सब्सिस्टेंस लेवल. सब्सिस्टेंस लेवल मतलब रोज भरण पोषण करने, बस इतना नहीं है उसके पास कि वो बेच सके या कुछ कर सके. ठीक है, सेकंड पॉइंट. और हो सके तो ये सब को आप नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपीज में, काफ़ी काम आएंगे आपको फ्यूचर. पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी देख लिया. पॉवर्टी लाइन क्या है? तो ऐसा लाइन जिसके नीचे सारे लोग पॉवर्टी में जी रहे हों. तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर टू फुलफिल सर्टेन मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग फूड इनटेक ऑफ डेली एवरेज ऑफ 2400 कैलोरी. कहाँ? रूरल एरिया. 2100 कैलोरी कहाँ? अर्बन एरिया. अब भाई अर्बन में कम क्यों, रूरल में ज़्यादा क्यों? क्योंकि रूरल में लोग ज़्यादा काम करते हैं, दे डू मोर मैनुअल लेबर कंपेयर टू द मैनुअल लेबर विट इज़ डन इन अर्बन एरियाज. बिकॉज अर्बन एरियाज में ज़्यादातर टेक्नोक्रैट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये सब रहते हैं ना. रूरल में बहुत कम फार्मर्स वगैरह रहते हैं. तो इसलिए पर कैपिटा का मतलब क्या? पर कैपिटा का मतलब ऐसा, पर कैपिटा का लिटरल मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग होता है पर हेड. ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? क्या होगा कि मार्केट वैल्यू ले लीजिए सारा गुड्स का. जो भी एक घर में सारा गुड्स खरीदाता है उसका मार्केट वैल्यू ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए क्या, कंट्री के पॉपुलेशन से. तो आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा. मतलब एक व्यक्ति पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और उतना होता है तो उसके ऊपर जो व्यक्ति आएगा वो एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा. पॉवर्टी ट्रैप, पॉवर्टी ट्रैप बहुत ही विशियस साइकिल होता है जिसके अंदर जो घुस गया तो उसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ निकल जाती है. बहुत सारे मूवीज़ में यहाँ वहाँ आपने सुना होगा कि आदमी तो मर जाता है लेकिन जो कर्ज रहता है वो बाकी रहता है, उसके बच्चे चुकाते हैं, फिर उसके बच्चे. तो ये पॉवर्टी ट्रैप. इट परसिस्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इनकम इज़ नॉट सफिशियंट टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ठीक, अब इसका एक साइकिल देख लीजिए. अगर व्यक्ति का लो इनकम है, लो इनकम है तो क्या होगा? लो इनकम से लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. इनकम कम है तो थोड़ी जो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाओगे, सरकारी स्कूल में भेजोगे, और हम जानते हैं सरकारी स्कूल का हालत क्या है. किसी को कैंसर या कुछ भयानक बीमारी हो गई तो वो ज़्यादा हेल्थ पे खर्चा भी नहीं कर सकता है, तो लो लेवल होगा. फिर लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अब एजुकेशन ही नहीं है भाई तो कैपिटल तो कम ही होगा, मैनुअल लेबर वगैरह करेंगे सब. लो प्रोडक्टिविटी होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में हाथ बटा नहीं सकते वो लोग. और ये फिर लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, ये विशियस साइकिल चलता रहेगा, ये जंजाल चलता रहेगा, ये चक्रव्यूह बन जाता है एक. ठीक है, अब देखते हैं कैजुअल वेज लेबरर क्या होता है. ऐसे व्यक्ति जो कैजुअल कामों में एंगेज होते हैं, जैसे फार्म में किसी और का खेत है वहाँ पर जाके काट रहे हैं अपना गेहूँ चावल, ये सब का कटनी कर रहे हैं, तो ये लोग कैजुअल वेज लेबर है. जब ज़रूरत हुआ चल गए, जब नहीं ज़रूरत हुआ घर में बैठे रहे. तो पर्सन हु इज़ एंगेज कैजुअली इन अदर्स फार्म नॉन फार्म इंटरप्राइजेस एंड इन रिटर्न रिसीव्स वेजेस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डेली और पीरियोडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट. इनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है.